ये है स्टीम इंजन, देख सकते हैं। आइए आपको करीब से दिखाते हैं, तो गाड़ियाँ आ रही है। और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। और फिलहाल इसको टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। तो गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। हम आज बताओ और एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हमारा दार्जिलिंग में फर्स्ट डे है। हमने रात को स्टे किया था यहाँ पे, और यहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं कैसा है यहाँ का व्यू। और ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू कुछ। आप वहाँ अगर ध्यान से देखेंगे ना, वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वाइट वाइट, वो जो पहाड़ है ना, वो बर्फ का पहाड़ है। और अभी वहाँ पे स्नो फॉल हो रहा है। और यहाँ कुछ व्यू है, ये K2 जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, K2 वही है। हाँ, वही किए थे अगला बार सिक्किम में। उस टाइम बारिश नहीं हो रहा था, इस टाइम अभी, अरे मतलब उस टाइम बर्फ नहीं हो रहा था जब हम किए थे। अभी हो रहा है वहाँ पे, ठीक किया है लोग बता रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कुछ व्यू है। और हमारे साथ हमारे दीपक भाई हैं, और मणिकांत भाई और कचौड़ी भाई भी थे, तो वो फिलहाल अभी गए हैं शॉपिंग के लिए। और वो आते हैं तो उनसे भी आप लोगों से मिलाते हैं। और ये हमारा रूम है कुछ, देख सकते हैं। हाँ हाँ, ये थोड़ा रूम है हमारा, और हम लोग सब पैक को कर लिए हैं ऑलमोस्ट। और इस रूम का प्राइसिंग की बात करें तो ये हमें 2500 का पड़ा है यहाँ पे। और अगर आप आते हैं तो आपको इससे महंगे रूम और इससे सस्ते रूम देखने यहाँ पर मिल जाएंगे। बट ये हमें रूम अच्छा लगा, और काफ़ी रात हो चुका था तो हमने सोचा यही अच्छा है रूम हमारे लिए, और हमने यही बुक कर लिया। और तो अभी हम फिलहाल कोरियासन में हैं, तो हमें रात में ऐसा लग रहा था कि हम लोग आ चुके हैं, तो दार्जिलिंग आ चुके हैं, लेकिन ये दार्जिलिंग नहीं है, हमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो हमें लग रहा था कि हम दार्जिलिंग में आ चुके थे, बट हमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, दार्जिलिंग में नहीं है। यहाँ से दार्जिलिंग लगभग 30 किलोमीटर दूर है, और ये जो यहाँ का एटमोसफेयर है ना, पूरा दार्जिलिंग जैसा ही है। तो हमें भी वही लगा। तो हमारे जा रहे हैं दार्जिलिंग की ओर, 1 से 2 घंटा लगेगा ये बता रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं कोरियासन कैसा सिटी है। तो अब हम फिलहाल जा रहे हैं मे दार्जिलिंग में, और वहां पे जाके आपको दिखाते हैं। ये भी दार्जिलिंग है, उसी का पार्ट है, बट जो ज्यादा फेमस है ना दार्जिलिंग में, जो लोग आते हैं घूमने के लिए और एंजॉय करने के लिए। अब हम जा रहे हैं वहाँ पे, और आपको भी लेके चलते हैं और अपना सफर दिखाते हैं कैसा होने वाला है हमारा सफर। अरे अभिषेक भाई ड्राइव कर रहे हैं, और मणिकांत भाई हमारे झूठे की साइन कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं व्यू पॉइंट कुछ। भाई यहाँ ड्राइविंग करना ना बहुत बहुत ही हार्ड है भाई, अगर एक्सपीरियंस ना हो तो यहाँ ड्राइविंग नहीं हो पाएगा। अभिषेक भाई अपना, वैसे कि आपने कल बताए थे अपना एक्सपीरियंस, तो अभिषेक भाई छोटा गाड़ी यहाँ लाना ठीक है ना? का छोटा गाड़ी बहुत सही है, जहाँ तहाँ से पार हो जाता है। मान लो अगर ब्रेक मारोगे पीछे डल रहा है, हाँ। तो 4 आदमी जाएगा पीछे खड़ा हो जाएगा, हाँ। पीछे नहीं जाएगा, हाँ। लेकिन ये बड़ा गाड़ी है, ये क्या हो रहा है पीछे जा ही रहा है, 5-6 आदमी से भी इसका कुछ हो नहीं रहा है, हाँ। भारी गाड़ी है ना, इसको जगह भी ज्यादा चाहिए। तो अब पीछे से ये इनोवा ओवरन मार रहा है, ओवरटेक के लिए बताओ इधर रास्ता में भी रूट हमें मिल रहा है, वो पहले जैसा नहीं है, अब थोड़ा आरामदायक है, थोड़ा समतल जमीन हमें मिल रही है। कुनसोंग के बाद अगर आप जाएंगे ना, तो आपको रास्ते काफी बढ़िया मिलेंगे, मतलब ज्यादा चढ़ाव वाले नहीं मिलेंगे, और नॉर्मली मिलेंगे, हल्का फुल्का चढ़ाव मिलेंगे, तो ये अच्छी बात है। देख सकते हैं व्यू, ओह हाँ, सीधा खाई है भाई, और यहाँ से नदी बहती है। वैसे पहाड़ों पे बसी दुनिया। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पे मॉर्निंग का नाश्ता, और यहाँ का व्यू आपको दिखाते हैं कैसा है। यहाँ पे व्यू काफी मस्त आ रहा है यहाँ पे अभी। कैसा लग रहा है मणिकांत यहाँ पे आके? यहाँ पर हम लोग आए हजार तक, यहाँ सीधे रास्ता टी वाला नहीं, यहाँ वास हो रहा है, यहाँ आए, यहाँ नहीं आए थे। ये जो व्यू देख रहे हैं ना भाई, भाई एक नंबर। तो आइए यहाँ का आपको कुकिंग दिखाते हैं कैसे होता है, और यहाँ पे जो स्टोर होते हैं ना, वहाँ पे खाना कैसे बनता है। और ये हम जहाँ पे अभी रुके हैं, यहाँ पे फिलहाल खाना बन रहा है, और यहाँ पे सारा पहाड़ी खाना बनता है, देख सकते हैं। ज़्यादातर आपको यहाँ पे मोमो, उसके बाद से आपको मैगी उगी मिल जाएगा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको देखने मिल जाएगी। अच्छा, हम लोग का वाईवाई बन रहा है अभी, वाईवाई। और वैसे वैसे बताओ तो वाईवाई है क्या? वाईवाई इंडिया में जैसा फेमस मैगी है ना, वैसे हाँ। नेपाल में फेमस वाईवाई है, हाँ। वहाँ से यहाँ भेज रहे, लेकिन पता नहीं कैसा वाईवाई इंडिया में भी आ जाता है, तो ये लोग बना रहे पहाड़ों में। टेस्ट करते आज भी ना पहली बार, ठीक ही लगता है वैसे, शायद फर्स्ट टाइम खाएगा तो अच्छा। वाईवाई, तो ये जो आप देख रहे हैं वाईवाई मैगी, और पहाड़ों पे आगे हम लोग मैगी खा रहे हैं एक तरह से। वैसे इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है। मजा मेरा है, ले 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 ले, तू भी खा।
और फिलहाल इसको टेस्ट करते हैं, बताते कैसा है। कुछ खास नहीं है, परी छुछु लग रहा। वैसे सूप देखते हैं सूप कैसा है, अभी खा रही है। मोमो भी आ गया हमारा, ये पहाड़ी मोमो। सूप कैसा है, भेज भेज सूप ट्राई करते हैं एक मिनट। नॉनवेज नहीं बोले हम, ठीक नॉनवेज चाहिएगा। नॉनवेज मत को बात में मिलेगा। सही रोला ना, तो फिलहाल हम अभी चाय टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ का चाय कैसा है, तो ये पहाड़ी है कुछ खास है, देखते हैं खा के कैसा लग रहा है। हम बोले ना, हमें स्टार्टिंग से बोल ले, देखिए देखिए वो दादी जो यही बोली थी। देखिए देखिए आ आ कैसे है, 30 रुपए एक एक का। चल चला नहीं इतने ज्यादा नमक नमक इतने ज्यादा रहा, काफी अच्छा लग रहा है वैसे खाने में, महंगा है पर अच्छा लग रहा है, मजा आ गया। और हम आ चुके हैं दार्जिलिंग में, और ये है दार्जिलिंग, ये है एक्यूरेट दार्जिलिंग। आप देख सकते हैं यहाँ दार्जिलिंग पुलिस भी आपको देखने मिल जाएगी स्टेट में, और ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसे स्टोर स्टोर है, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पे क्लाउड देख सकते हैं कितना सामने है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है रेलवे स्टेशन यहाँ का, वही छोटा टॉय ट्रेन का, टॉय ट्रेन का यहाँ पे है, देख सकते हैं ऐसे होता है, खुला हुआ है, यहाँ पेट्रोल नहीं लगेगा। जूम का है, जूम। और यहाँ पे ऐसी सीटियाँ हैं, यहाँ पे स्टीम इंजन देखने मिल जाएगा, देख सकते हैं। ये है दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं ये दार्जिलिंग। अब हम आ चुके हैं दार्जिलिंग मार्केट। ये जो है ना, ये दार्जिलिंग का मेन मार्केट है, और यहीं पे लोग आते हैं मार्केट करने के लिए। देख सकते हैं अगर आप दार्जिलिंग आए तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो ये देख सकते हैं, ये है टी गार्डन यहाँ का। हाँ यही है टी गार्डन। आइए थोड़ा घुमा के लाते हैं। अच्छा 50 रुपये लगेगा ना। अच्छा तो दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पे टेलीस्कोप है। और ये देख सकते हैं ये चार धाम यहाँ पे, यहाँ पर यहाँ पे अगर सिक्किम में आप आएंगे तो आपको सारे चीज देखने मिल जाएगा। ये दोनों आपका जुड़ा ही है, सिक्किम और दार्जिलिंग। और वहाँ सारे हम अगर नेक्स्ट ईयर वहाँ गए थे घूमने, इस साल यहाँ आए हैं, सबसे ऊंचा पहाड़ है ना, ये सारे आप सिक्किम में जाएंगे तो आपको सारे व्यू पॉइंट देखने मिलेंगे। यहीं से दर्शन करा देंगे टेलीस्कोप की मदद से। हाँ टेलीस्कोप से मदद से आप यहाँ से देख सकते हैं, और सारा मतलब मेन मेन व्यू पॉइंट है जो आप अगर सिक्किम उक्किम घूमने जाते हैं तो ये सारे मेन व्यू है, और लोग यहीं पर मोस्टली घूमते हैं। यहाँ पर आप दार्जिलिंग आएंगे ना तो यहाँ पर आपको दो टी गार्डन मिलेंगे, एक ये है जो हम घूम रहे हैं, और एक अंदर में है जो हम वो मिस करके आगे आ चुके हैं। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं टी गार्डन ऐसे होता है, और ये पहाड़ों पे काट काट के रास्ते बनाए गए हैं। आप से थोड़ा नीचे चलते हैं। और वैसे यहाँ आएंगे ना तो यहाँ पे आपको यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस भी मिलेगा, जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं वो कपड़े जो पहनते हैं यहाँ पे लोग लेते हैं कपड़े लेके यहाँ फोटो वोटो शूट करवाते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा वैसे वेदर है, वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और मतलब हल्का ठंड हल्का गर्म जिसे होता है ना मीडियम। ड्रेसअप का जो है ना, ड्रेसअप का यहाँ पे जो रेट है वो 50 रुपये लगेगा आपका एक ड्रेस का, और वो पर्सन पहन सकता है, उसके बाद से फोटो वोटो क्लिक करा सकता है वो पहन के। वैसे अगर आप सिक्किम में जाएंगे ना, आपको सिक्किम में पूरा बर्फ़ देखने मिलेगा, और काफ़ी अच्छा वहाँ पे भी व्यू है, उसका भी ब्लॉग हमने हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं पूरा ब्लॉग को हमारा। और वैसे यहाँ कुछ है नहीं घूमने के लिए, अब निकलते हैं यहाँ से हम लोग आगे की ओर। तो वैसे हम लोग आ चुके हैं लिबोंग, और यहाँ पे सबसे लास्ट स्टॉपेज है घूमने वाला लिबोंग ही है। और ये लिबोंग का कुछ लुक आप देख सकते हैं, वैसे अंदर घूमने का था अभी बंद हो चुका है ये भी। और यहाँ से हम नीचे चले जाएंगे तो सिक्किम के लिए निकल जाएंगे, ये डायरेक्ट आपको सिक्किम लेके चली जाएगी, जो हमें आपको बता ही रहा था ये सारे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, तो ये जो रास्ता है ना वो चला जाता है सिक्किम के लिए। और वैसे यहाँ और कुछ घूमने लायक है नहीं यहाँ पे, और वैसे कुछ घूमने लायक नहीं है, और बस यही है घूमने लायक। देख सकते हैं यहाँ, आइए
व्यू लीजिए, एंजॉयमेंट थोड़ा मोड़ा कीजिए दोस्तों के साथ, थोड़ा पार्टी वार्टी हो गया, पिकनिक हो गया, खाइए पीजिए, उसके बाद अपना अपना घर निकल जाइए। वैसे यहाँ पे दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा फेमस है चायपत्ती यहाँ का, तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ चायपत्ती का क्या प्राइस है और यहाँ चायपत्तियाँ होती कैसे हैं यहाँ पे। ये है ना वो ब्लैक टी। अच्छा ये ब्लैक टी है, और ये वो मिल्क टी। अच्छा और ये ग्रीन टी। ये ग्रीन टी है। अच्छा तो ये तीन प्रकार के है यहाँ पे चायपत्तियाँ, ये ग्रीन टी है, ये मसाला टी, ये ब्लैक, ये मिल्क टी है, और ये ब्लैक टी है, और ये वाला मसाला टी, ये जो आप देख रहे हैं मसाला टी है, इसमें मसाला आ रहता है। कैसे है चायपत्ती? ये मिल्क टी 250 ग्राम का एक ही पैकेट लिया तो 150 पड़ेगा। अच्छा कितना वेट कितना है इसका? 250 ग्राम। यहाँ का जो टी का प्राइस है ना वो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही है, क्योंकि हमने जब हिसाब लगाया तो ये टी का प्राइस ज़्यादा बोल रहे थे। तो यहाँ पे जो अभी हम लोग ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे टूरिस्ट के लिए है, तो टूरिस्ट के लिए अब अगर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा ही कॉस्टिंग पड़ेंगे। अब रियल मार्केट में जाएंगे, यहाँ पे भी मार्केट है, वहाँ मार्केट में जाएंगे ना तो आपको इससे भी सस्ते रेट में मिल जाएंगे। जो वैसे जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना वो हार्डली होता है 300-350 के करीब में, और यहाँ पे जो हमने रेट बता रहे हैं वो 650 को अबव बता रहे हैं, क्योंकि ये टूरिस्टों के लिए है, काफ़ी दूर दूर से लोग घूमने आते हैं ना, तो ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा बताते हैं उनके लिए। बट आप रियल और भी जो हमने मार्केट जो पीछे छोड़ के आया था वहाँ जाएंगे ना तो और काफ़ी सस्ता रेट हमें मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से नहीं ले रहे हैं कुछ और डायरेक्ट चलते हैं मार्केट में, वहाँ देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक, और कुछ पसंद आएगा तो ख़रीद भी लेंगे और नहीं आएगा तो यहाँ से निकल भी जाएंगे। तो ये देख सकते हैं ये है स्टीम इंजन पूरा, हम लोग दार्जिलिंग है ना कार से ही ऑलमोस्ट घूम लिए हैं, देख सकते हैं ये है स्टीम इंजन। वैसे आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का स्टीम इंजन, यहाँ का स्टीम इंजन कैसा है और कैसा चलता है। शायद स्टीम इंजन पहले के ज़माने में चलते थे, अब काफ़ी कम हो गए हैं स्टीम इंजन, वो देखने नहीं मिलते क्योंकि पोल्यूशन काफ़ी होता है उनसे, बट यहाँ पर आज भी स्टीम इंजन चल रहा है और उसी को आज दिखाते हैं आपको। यह है स्टीम इंजन देख सकते हैं, आइए आपको करीब से दिखाते हैं, तो गाड़ियाँ आ रही हैं। और ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग का। तो हम आ चुके थे स्टेशन पे और यहाँ देख सकते हैं ये एक स्टीम इंजन सामने, और एक यहाँ पर है जो काफ़ी लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, और यहाँ पे आपको सामने ही रेलवे स्टेशन देखने मिल जाता है स्टीम इंजन का। यहाँ से सुबह ट्रेन निकलती है और लोग अगर सफ़र वफ़र करना हो तो यहाँ से ट्रेन निकलती है सुबह सुबह, और उसके बाद से अगर जो भी यहाँ पे पैसेंजर आते हैं और वो टिकट आप कटा के आराम से स्टीम इंजन में पूरा दार्जिलिंग का एक टूर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है वैसे। तो फिलहाल शाम हो चुका था और हम घूम रहे थे और हम स्टेशन के अंदर इंटर कर रहे हैं, जो दार्जिलिंग में स्टीम इंजन जो सारी चलती है ना वहीं पर, और ये कुछ देख सकते हैं दार्जिलिंग का कुछ व्यू है। और हम शाम को यहाँ घूम रहे हैं, फिलहाल हमने रूम फिलहाल अभी ले लिया है, और ये देख सकते हैं ये सामने स्टीम इंजन है, ये है कुछ हमारा होटल, और यहाँ पे जो घर अपार्टमेंट देख रहे हैं ना कुछ ऐसे हैं। ये मेन दार्जिलिंग सिटी है जहाँ पे हम लोग आज स्टे कर रहे हैं, कॉस्टिंग हमें लगभग 1200 रुपये पड़ा है, 1200 रुपये पर नाइट, तो काफ़ी सस्ता है वैसे। पहला यहाँ पे मॉल रोड देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिल्म विल्म भी देख सकते हैं, और देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे डेकोरेशन किया गया है हमारे पीछे। यहाँ हम लोग इंटर कर चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसा यहाँ का मॉल है। ते आतंकवादी है। तो फिलहाल शाम हो चुका था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्नैक्स खाते हैं, मतलब थोड़ा हल्का फुल्का में हमें यहाँ पे अच्छा में डोमिनोज एक दिख रहा है, जाएंगे वहाँ पे डोमिनोज में खाते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ डोमिनोज का टेस्ट कैसा है, बट डिफरेंट होता है या कुछ अलग होता है, क्योंकि हर जगह का पानी अलग अलग होता है ना, तो टेस्ट चेंज होते रहता है, तो देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। फिलहाल हम आ चुके थे डोमिनोज, और यहाँ का कुछ डोमिनोज ऐसा है देख सकते हैं, वैसे डोमिनोज अच्छा है जो बोलिए। तो आज यही खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे उसके बाद से कल, और आप लोगों को पैसा से बचाने का टिप्स जानना है तो हमारे अभिषेक भाई का ब्लॉग देखिए, बहुत पैसा बचेगा आपका, पैसा उड़ाने का ब्लॉग देखना हमारा ब्लॉग देखिए, देखा मोह माया से दूर है वो इनका वीडियो देख सकते हैं, इनका है चेतक ब्लॉग्स नाम है, और भाई का भी चैनल है, क्या नाम है चैनल का, चैनल का नाम है
हाँ तो वही आके जाके देखिए। और आकाश का चैनल का नाम है बता सही से बता डालेगी गला आप देख रहे हैं। ये है दार्जिलिंग का मॉल रोड और ये काफ़ी फेमस है ऐसे। ये नीचे भी है और ये यहाँ का पूरा व्यू सब यहाँ का मार्केट है। ये ठंडा कपड़ा वैसे यहाँ ठंड वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है अब शाम के मुकाबले रात में। हम हैं हमारे अमेरिकन भाई है और ये पूरा लुक है देख सकते हैं ये मॉल रोड का। दूर दूर तक जहाँ नज़र आपको पीछे जा रहा है पूरा मॉल रोड है और यहाँ पे आपको पीछे जितना जा रहा है ये सारे मॉल हो गए और हम यहाँ पे घूम रहे हैं बस से घूम ही रहे हैं। ठंडा कपड़ा हमने खरीद लिया है इसलिए यहाँ से हम कुछ खरीद नहीं रहे हैं। और हमारे कचौरी भाई शायद 100 लोग लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं डिपेंड करता है उनके मूड पर कोई पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे। वैसे यहाँ पर ठंडा कपड़ा काफ़ी मिल रहा है आपको स्टोर दिखाते हैं कैसे 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 स्टोर है। ये स्टोर ये सारे स्टोर है यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन। ये देख सकते हैं कुछ शानदार लुक है यहाँ का। यहाँ पर यह बस यही है लास्ट यहाँ पर घूमने लायक और इसके बाद ये सारा एंड हो जाता है देख सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।